हेलो व्यूअर्स, आपका टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल मैंगलोर स्टाइल में कुकुम्बर सांबार की रेसिपी। इसे आप स्टीम्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर इडली के साथ भी, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये बहुत डिलिशियस टेस्ट करता है। मेरी मदर इन लॉ की यूनिक रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने येलो कुकुम्बर लिया है, जिसे आप मैंगलोर कुकुम्बर भी कह सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का है। इसे अच्छे से धो लीजिए। फिर उसके बाद जो बीच में सीड्स वाला पोर्शन है उसे हम हटा देंगे और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसका ऊपर का जो छिलका है वो निकाल सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही पकाएंगे हम। इसे मैं एक पैन में ऐड कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें डालूँगी मैं पानी। पानी यहाँ पे मैं लिया है मैंने लगभग 1.5 कप। इसे हम पकाने वाले हैं पानी के अंदर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 कप के आसपास इमली का पानी और इसमें मैं डालूँगी एक छोटा पीस गुड़ का। आप कह सकते हैं एक नींबू के साइज़ का पीस है गुड़ का। फिर मैं गैस को ऑन कर दूँगी और फिर हम इसे पकाएंगे। जैसे ही एक बॉईल आ जाए हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि 70% कुक नहीं हो जाता हमारा कुकुम्बर। तब तक हम मसाला की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है जिसमें 1 चम्मच तेल गरम किया है। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच राइस चावल। इन्हें मैं अच्छे से धो लूँगी और एक सूखे कपड़े से हम इसे पोंछ लेंगे, वरना धोने के बाद अगर हम डायरेक्टली डालेंगे तेल में तो ये उछल उछल कर हमारे ऊपर आ जाएगी डांस करके और हम जल सकते हैं इससे। इसीलिए इसे पोंछना बहुत ज़रूरी है सूखे कपड़े से। फिर हम इसे ऐड कर देंगे बारी बारी तेल में। अब इसे फ्राई करना है हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम बाकी के इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, ये मैंने लिया है 7 से 8 ही खाली। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो हो सकता है आपका सांभर थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करे, इसलिए 7 से 8 दाने ही डालिए। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, कश्मीरी कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो और थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं और ब्राइट कलर चाहते हैं तो 5 से 6 तक भी ले सकते हैं। इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है धनिया का। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा सा प्याज, ये ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी बना सकते हैं। अब हम प्याज को पकाएंगे लो फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। मैं इसे ग्राइंडर के जार में ऐड कर लूँगी और जो लाल मिर्च था उसके ऊपर का जो डंडी था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप घिसा हुआ नारियल, ये फ्रेशली ग्रेटेड नारियल है, इसका जो फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छा आता है हमारे सांभर में। साथ ही मैं इसमें पानी डालूँगी लगभग 1/2 कप से 3/4 कप और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे एक स्मूथ पेस्ट में। देखिए हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने 3 लाल मिर्च यूज़ किया था इसलिए ऐसा कलर आया है। अगर आप 5 से 6 यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा ब्राइट रेड कलर आएगा। अब इस कोकोनट पेस्ट को हम डालेंगे कुकुम्बर में जो पक रहा था, ये 70% हो चुका है। जो बचा कुछ अब पानी है हमारे मिक्सर के ग्राइंडर के जार में वो ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो सब यूज़ हो जाए। 1/2 कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैं ऐड कर रही हूँ इसे हमारे सांभर में। अब इसे एक बॉईल आने दीजिए, हम नमक ऐड करेंगे तब तक स्वाद अनुसार। जैसे ही एक बॉईल आ जाए हम इसे पकाएंगे ढककर लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए। चलिए जब तक ये पक रहा है सब फ्लेवर्स एनहांस हो रहे हैं तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं।
एक चम्मच तेल गरम किया है, उसमें मैं डालूंगी राई। अब जैसे ही राई चटक जाए हम इसमें बाकी के सामान डालेंगे। आप चाहे तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ एक लाल मिर्च, अखा लाल मिर्च है ये, और साथ ही मैं डालूंगी बहुत सारा कड़ी पत्ता, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसमें चाहे तो कुटा हुआ गार्लिक भी ऐड करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आ सकता है। इसमें मैं डालूंगी पिंच ऑफ हींग। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो सांभर है उसका कलर बहुत ही अच्छा आए। आप चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तड़के को ऐड कर दीजिए सांभर में, मिक्स कीजिए अच्छे से। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है हमारा सांभर। ऊपर से हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हमारा सांभर बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए चावल के साथ, इडली के साथ, वड़ा के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।